जानते हैं अडानी जी मुझसे कितना प्यार करते हैं, अडानी जी के मित्र मुझसे कितना प्यार भारी पड़ता है। ये ऐसी धरती है आज तुम्हारे आपके पड़ोसी पड़ोसी जिले में
काम कर रहे थे साथियों, कांशीराम साहब बहुत सारे थे, यही थे इस समाज के, हमारे समाज के लोगों ने कांशीराम साहब को 5,000 रुपए अब देखो डंडे वाले जो परेशान है, जिसके ऊपर मुसीबत है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो मजलूम है, हर उसके साथ खड़े होना। और मैं ठगे हुए लोगों से कह रहा हूं, जो ठगे गए हर बार, बीजेपी हराओ, बीजेपी जिताओ, बीजेपी को हराना इनको ले आओ। अगर आज कोई बीजेपी का मुकाबला पूरे देश में कर रहा है तो ये नीले पट्टे वाले लोग, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है। अब मैं राजस्थान में था, नेताओं के यहां 4 बजे ईडी वाले बैठे थे, मैं दिल्ली में था 6 बजे ईडी वाले बैठे थे, मैं उनको बुलाता रहता हूं कि आओ किसी दिन हमारे साथ भी बैठ के चाय पियो। लेकिन वो जानते हैं वो मुकाबला नहीं कर सकते गरीबों का, ईमानदार लोगों का, वो जानते हैं। कह रहा हूं कि 2006 से पहले माननीय कांशीराम साहब ने जो नारे दिए, आप गौर करना, बहुजन समाज के सिपाही, ये हमारे जो सम्मानित नेता जो नेतृत्व करते हैं, जो नारे माननीय कांशीराम साहब ने दिए, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, आज उस नारे को कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता अपने अपनी शब्दों में कह रहे हैं। लेकिन जो जिनको कांशीराम साहब विरासत दे गए, उन्होंने 2 महीने में बदल के रख दिया, उन्होंने बहुजन से सर्जन कर दिया, उन्होंने हाथी से गणेश कर दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश कर दिया, उन्होंने अपने स्वार्थ में इस महापुरुषों के इस आंदोलन को कमजोर करने का काम किया। आज ये सोचो, देश की वो पार्टी जिसने 50 साल राज किया हो, आज वो माननीय कांशीराम साहब के नारों को दूसरे शब्दों में कह रही है। अगर हमारे लोगों ने विश्वासघात ना किया होता, कभी अन्याय करने वाले के साथ नहीं खड़ा होना मेरे लोगों, हमेशा उसके साथ खड़ा होना। जो परेशान है, जिसके ऊपर मुसीबत है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो मजलूम है, हर उसके साथ खड़े होना। और मैं ठगे हुए लोगों से कह रहा हूं, जो ठगे गए हर बार, बीजेपी हराओ, बीजेपी जिताओ, बीजेपी को हराना इनको ले आओ। अगर आज कोई बीजेपी का मुकाबला पूरे देश में कर रहा है तो ये नीले पट्टे वाले लोग, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है। अब मैं राजस्थान में था, नेताओं के यहां 4 बजे ईडी वाले बैठे थे, मैं दिल्ली में था 6 बजे ईडी वाले बैठे थे, मैं उनको बुलाता रहता हूं कि आओ किसी दिन हमारे साथ भी बैठ के चाय पियो। लेकिन वो जानते हैं वो मुकाबला नहीं कर सकते गरीबों का, ईमानदार लोगों का, वो जानते हैं। कह रहा हूं कि 2006 से पहले माननीय कांशीराम साहब ने जो नारे दिए, आप गौर करना, बहुजन समाज के सिपाही, ये हमारे जो सम्मानित नेता जो नेतृत्व करते हैं, जो नारे माननीय कांशीराम साहब ने दिए, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, आज उस नारे को कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता अपने अपनी शब्दों में कह रहे हैं। लेकिन जो जिनको कांशीराम साहब विरासत दे गए, उन्होंने 2 महीने में बदल के रख दिया, उन्होंने बहुजन से सर्जन कर दिया, उन्होंने हाथी से गणेश कर दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश कर दिया, उन्होंने अपने स्वार्थ में इस महापुरुषों के इस आंदोलन को कमजोर करने का काम किया। आज ये सोचो, देश की वो पार्टी जिसने 50 साल राज किया हो, आज वो माननीय कांशीराम साहब के नारों को दूसरे शब्दों में कह रही है। अगर हमारे लोगों ने विश्वासघात ना किया होता,